ये प्रॉब्लम कब से है आपको? I got diagnosed on 15th of June 1995. 95, yeah. Almost 26 years. Right. And what are the other problems जो आप अभी फेस कर रहे हैं? With ankylosing spondylitis, कैसे आपने अभी? Actually, I am not facing any problem. I have made my body accustomed to the disease. Yes, that's right. Because ये एक normal issue होता है क्या जो काफी सारे ankylosing spondylitis patients body को adjust करने लग जाते हैं. अगर ये आपके अपर बैक में इन्वॉल्व है या पेल्विस में इन्वॉल्व है तो ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जब तक कि वो नेक तक नहीं आ रहा है, क्योंकि नेक तक जब आने लगता है तो नेक मूवमेंट की चीज है और नेक स्टिफनेस काफी मिलता है. बट आपके केस में नेक पेन तो नेक मूवमेंट काफी अच्छा है, लेकिन हाँ पेल्विस काफी हद तक इन्वॉल्व है जिसकी वजह से कमर थोड़ा सा पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है उसमें और अपर बैक में स्टिफनेस काफी ज्यादा है. बट आपका नेक मूवमेंट वगैरह काफी अच्छा है. तो आपको सिर्फ बैठने में सिटिंग क्रॉस लेग में तकलीफ होती है? क्रॉस लेग में बिकॉज़ आई कांट ईट व्हाइल सिटिंग क्रॉस लेग करके सामने खाना खाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी. अभी जो आपने सेशन किया उससे आपको क्या मतलब कैसा आपको उससे एक्सरसाइज और क्योंकि ये फर्स्ट सेशन है हमें इसको लगातार रेगुलर सेशन करने होंगे, साथ साथ एक्सरसाइजेस भी करने होंगे ताकि इसका जो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड रिजल्ट है वो हम लोगों को मिल सके. I am Dr. Sudarshan. Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe to our channel. Make sure you share this video with people who need it.
Thank you.